हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। सावन छोटी काशी गोला में कांवरियों का आना जाना काफी होता है। कभी आपने देखा होगा 5 लाख 6 लाख लोग आ रहे हैं। प्रशासन गोला कोतवाली बहुत मेहनत कर रहा है गलियों में, रोडों पे, चौराहों पर, खुटार रोडों पे। लेकिन आपको बता दें, यहाँ अपने लोगों को भी एक दायित्व होना चाहिए। जहाँ पर हम लोग छोटी काशी गोला गोकरणनाथ का भी एक दायित्व बनता है दुकानदारों को। दुकानदार इस हिसाब से अतिक्रमण करते हैं कि कांवरिया भागते हुए धर 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 आते हैं, भोले बाबा की जयकारा लगाते हैं, जय भोले, और लाखों हजारों चल के आते हैं लोग। लेकिन दुकानदार जो अतिक्रमण किए हैं, बाजार में अतिक्रमण है, खुटार रोडों पे किए हैं, और दुकानों के सामने जो डिब्बे बड़े बड़े और पंखे रोडों पे लगा देते हैं अलीगंज रोड, ये गलत बात है कि प्रशासन कांवरियों को मेला करवाए या आपकी दुकानों पे जाकर लोगों को समझाए कि भैया जी ये दुकान पीछे कर लो। इसी में आपको बता दें, अलीगंज रोड का मामला मेरी न्यूज में आप जब देखेंगे, अलीगंज रोड पर एक रोटी बनाता है एक व्यक्ति। वो क्या करता है कि रोड के सामने तखत बखत डाल के मिक्स रोटी बनाता है, मिक्सी रोटी जो बनाता है, उसको लेकर प्रशासन समझाता है, लेकिन लोग दुकानदार नहीं समझ रहे हैं। अभी 2 सोमवार हैं। प्रशासन के माध्यम से, मैं न्यूज के माध्यम से आपको बता दूं, इसमें प्रशासन काफी कांवरियों का मेला चल रहा है, उस पर बिजी है, और वो कांवरियों को मेला करवाएं या आप लोगों को दुकान। तो आप लोग इस न्यूज के माध्यम से अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण ना करें। आप देख सकते हैं पूरी खबर। पूरी मार्केट बंद रहेगी। प्रशासन हटाने भी हटाता है तब भी लगाते हैं। तो कावर लेकर हमारे भैया जी आए हैं, देखिए कैसे छील भी गए हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? सीतापुर से नेवी साल है। नीम साल से आ रहे हैं आप? तो पैदल आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं ना। देखिए क्या जलप से कर लिया आपने? अभी नहीं, अभी करने जा रहे हैं। हर हर महादेव।